नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है हाल। मैं आज प्रदेश के सबसे बड़े तालाब का बताऊंगा और दिखाऊंगा आपको, और ये ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े धरोहर बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर जो तालाब है वे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाता है हर साल, और यही वजह है कि वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में ये इसको शामिल किया गया है। और अब जो है 7 तारीख को दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। हालांकि दलपत सागर का हाल बेहाल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दीप जलाए जाते हैं, दीप से प्रज्वलित होता है, लेकिन उसके बाद जो है इसकी हालत ऐसे ही हो जाती है। आप देखिए, करोड़ों रुपए खर्च हुए इसमें, इसको सफाई करने के लिए कई जो है ठोस कदम उठाए गए, लेकिन आज भी इसका हाल बेहाल ही आपको नजर आएगा। आप चाहे यहाँ से दूर तक आप देख लेंगे तो पानी कम, आपको जलकुंभ भी ज़्यादा नजर आएगी। हालांकि इन 4 दिनों में जो है जिला प्रशासन शुरुआत जरूर की है कि इसका स्थिति, इसके हाल को सुधारा जाए, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा कि इसका हाल जो है सुधरता आपको नजर दिख रहा हो। मैं इसी पर आज चर्चा करूंगा, क्योंकि 7 तारीख को है दीपोत्सव कार्यक्रम रखा गया है और तकरीबन 2,51,000 दीप जलाने के टारगेट यहां पर रखे गए हैं। और ये प्रदेश का सबसे बड़ा तालाब, यानी कि जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश सरकार भी इसको देखे, इसको ध्यान में रखे और इसका जो है संरक्षण करने के लिए कुछ पहल करे इस दिशा में, ताकि ये जो खूबसूरत तालाब है ये साफ हो, सुंदर हो, स्वच्छ हो, ताकि जो पर्यटन है वो यहाँ पर पहुँचे तो इसका भी लुफ्त उठा सके। अब दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है, लेकिन इस पे बात करेंगे। दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब है, बावजूद सरकार के इस ओर ध्यान नहीं देती है, नगर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है तो अब जो है साफ सफाई यहां पर चल रहा है, क्या वजह मानते हैं, क्यों ऐसा किया जाता है? पहली बात तो दलपत सागर सबसे विदर्भ का सबसे बड़ा तालाब है, जो 350 का तालाब आज के युग में बनाना असंभव बात है। यदि इसकी उपेक्षा होती तो ये बहुत बड़ा दुखदायी कारण है। हम लोगों का भी इस दलपत सागर से बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारे दलपत सागर समूह के सभी ने मिलके इसका सफाई अभियान भी हमने चलाया था। लगभग हमने 3 महीना यहाँ पर सफाई भी की थी और हमने शासन प्रशासन का ध्यान इसमें आकर्षित करने का बहुत सा प्रयास किया था। जब हमने सफाई अभियान चलाया था उस समय दलपत सागर कुछ साफ भी हुआ था, हमारी संस्था के द्वारा हमने बिना शासकीय सहयोग के काम किया था। उस समय दलपत सागर साफ हुआ था और उस समय इसका नया रूप स्वरूप देने का, ऊपर से जो बाहरी स्वरूप इसका सुधारने का प्रयास किया गया था। प्रथम उसके हिसाब से यहाँ पे दीपोत्सव शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि स्वच्छता के मिशन के नाम से दीपोत्सव किया जाए और दलपत सागर का पुराना स्वरूप जो आज से कई दशकों पहले था उसका लाया जाए, उसके लिए प्रयास किया जाए। परंतु मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने बड़े तालाब के प्रति उदासीनता होना ये बहुत दुखदायी काम है। जगदलपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाती है। यहाँ के जो जिनको जवाबदार लोग हैं, उनको जिनको काम करना चाहिए थे, वो मालूम नहीं क्यों इसके प्रति उदासीन है। कम से कम अपनी कर्मभूमि, अपनी जन्मभूमि के प्रति उदासीन मत रहिए। और मैं शहर से अपील भी करता हूँ कि कम से कम कचरा भी ना फेंके, क्योंकि कचरा हम लोग भी बहुत कुछ फेंक रहे हैं यहाँ पे, हम भी इसके बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। निवेदन है कि इसको सुधारें अपनी आदतों। पूजा पाठ के सामग्री भी इसमें डंप कर दिया जाता है, इसके अलावा ये जलकुंभी को लेकर मशीन चलाई जाती है, लेकिन वे मशीन भी इसको साफ नहीं कर पाया। क्या किया जा सकता है कि इसे तालाब को साफ कर दिया जाए, क्योंकि करोड़ों रुपये तो खर्च हो चुके हैं, बावजूद स्थिति वही नजर आ रही है। पहली बात तो पूजा की सामग्री इसमें फेंकना अच्छा नहीं माना जाता, कि इसके लिए सही कई जगह विसर्जन को तालाब के बाहर बनाए गए हैं, लोगों को उसमें डालना चाहिए ताकि वो सही जगह पहुंच जाए। दूसरा, जो अभी मशीन जो लगी हुई है वो मशीन जलकुंभी साफ करने के लिए, जलकुंभी को सिर्फ ऊपर से काटती है, कि सबसे ट्रिमर मशीन है वो, सिर्फ ऊपर से काट रही है। इसके लिए पूरा गहरीकरण एक बार आप इसे होना चाहिए, क्योंकि 200 साल में इसके पूरे शहर की गंदगी इसके अंदर आई है, तो कम से कम एक बार इसकी पूरी गहराई से सफाई होनी चाहिए और इसके अंदर जो गाज जमी उसको निकालना चाहिए ताकि इसका भविष्य सुरक्षित रह सके। कई जगह ऐसा हो गया है कि आप जहाँ पर आराम से खड़े हो सकते हैं पानी आपको सिर्फ घुटने तक ही आएगा, जबकि हमारे पिताजी या दादाजी कहते थे इसकी गहराई इतनी है कि 4 हाथी एक के ऊपर एक लग दें तो भी वो डूब जाए, इतना बड़ा गहरा था यहाँ पे। लेकिन ये पानी भी दूषित होता नजर आ रहा है, देखिए आप, पूरा काला पानी हो चुका है, जो कि एक समय था जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो दिखती थी, नजर आती थी। देखिए भाई साहब, मैं सबसे गंदा शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, पूरे शहर की गंदगी नालियों के माध्यम से तालाब में आती है। मेरे ख्याल से ये अब दलपत सागर मेरे इंडिया का सबसे बड़ा सेप्टिक टैंक बन चुका है, इसको सुधारना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुधारने की कोशिश जरूर यहाँ पर की जा रही है, लेकिन दीप उत्सव दादा चारों तरफ दीप जलाए जाएंगे 7 तारीख को, तो क्या लगता है कि वो दीप से इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी? दिखावा के लिए बढ़ेगी, किंतु
एक्चुअली खूबसूरती तालाब की ये होती है कि वो पानी खूबसूरत रहे, उसके अंदर वो पीने लायक रहे, कम से कम पीने लायक नहीं है तो भी नहाने लायक तो रहे, उसको बोलते हैं तालाब की खूबसूरती। ये जैसा होता है कि काला भैंस को जो है अपन ऊपर ऊपर कोटिंग कर दिए और बारिश में वो गई तो ख़त्म, को मेकअप निकल गया। मेकअप नहीं चाहिए, अपने को चाहिए एक्चुअली में तालाब को सौंदर्यीकरण का मतलब तालाब का पानी को सौंदर्यीकरण करें। किंतु ये जो है इतनी गंदगी हो रखी है, इसको गाद निकाला जाए, इसके कारण हमको वाटर लेवल भी बढ़ेगा। और एक स्लोगन आता है कि जल ही जीवन है, तो फिर जल जीवन जब बनेगा तो जल स्वच्छ रहेगा, इसमें वाटर रिसोर्सेस नीचे जाएंगे, वो हिसाब से बोर्स रिचार्ज होएंगे। एक तरफ से फिर सरकार बोलती है कि आप वो टैंक बनाओ घरों में, उतनी ज़रूरत ही क्या है, शहर के लायक एक ही टैंक इतनी बड़ी बनी हुई है, इसको ही डेवलप कर दो। हर घर से जो बनाने के लिए पैसा लेते हैं वो पैसा इकट्ठा एक ही बार प्लानिंग के साथ लगाए तो ये क्लीन हो जाएगा पूरा बस्तर का, लगभग लगभग आधा बस्तर को ये रिसोर्सेस तो जल स्तर को मेंटेन कर लेगा। किंतु किसी का ध्यान नहीं है, सभी राम के नाम से चल ही रहे हैं। सरकार के पास भी तो फंड रहता है, सरकार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब, सबसे बड़ा धरोहर है ये, बावजूद मतलब ऐसे उदासीनता क्या दर्शाता है कि नगर सरकार भी बीजेपी की अभी है और सरकार भी बीजेपी की है, बावजूद इसको नजर नहीं आता है कि इसको भी संवारा जाए। हाँ, फंड खर्चा कर रहे हैं ना, एक ट्रिमिंग मशीन लाए हैं 1 करोड़ रुपये का, हमको तो नीचे से साफ करना चाहिए था, वही मेकअप मशीन लाए हैं, मेकअप तो हो ही रहा है, मतलब खाना पूर्ति हो रही है पूरी तरीके, वो मैं नहीं बोलूंगा बट मेकअप हो रही है। कहा जाए तो वही ना, क्योंकि अब तो तैयारी देखिए दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, तब इसकी सफाई हो रही है, तब याद आ रहा है कि चलो इसको साफ कर दिया जाए। हाँ, इससे पहले तो साफ करने का मतलब कोई नगर निगम भी नहीं कोशिश कर रहा था कि वापस से मशीन चलाया जाए, मशीन निकाल लिया गया था। नहीं, कोशिश नगर निगम शायद कभी नहीं किया हो, किंतु हमारी टीम जो है लगातार बहुत दिन तक खुद हम लोग तालाब में उतर के, ये गंदे पानी में भी उतर के बहुत कोशिश किए और हमसे जितना होता है मैन पावर से हम लोग किए। लेकिन ये उम्मीद तो नहीं है कि मैन पावर से इतने बड़े तालाब की सफाई हो जाएगी? उम्मीद में दुनिया कायम है, कोशिश करेंगे तो दूसरे का आंख खुलेगा, शायद शासन प्रशासन का भी आंख खुले, बोल के हम कोशिश किए, कोशिश में हो गया, गिलोरी के जैसे ही है हम। धीरे धीरे कोशिश किया गया, कभी ना कभी तो कोई ना कोई जागेगा, वही कोशिश किए, वो कोशिश में ट्रिमिंग मशीन आया। जगाने की जरूरत जिला प्रशासन और राज्य सरकार को है, क्यों? केंद्र सरकार भी हो जाए तो भले भले हो जाएगा, अमित शाह जी आ रहे हैं, अगर उनको दिखा देते हैं थोड़ा बोल देंगे तर्पण कर लें पानी से, तो अगर करने लायक रहेगा तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो एक बार कहेंगे तो पूरी सफाई हो जाएगी, एक नजर देखेंगे तो साफ हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देखिए ये भावनाएं हैं व्यक्त कर रहे हैं कि कोशिश जरूर की गई थी कि तालाब को जो है खूबसूरत बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, मैन पावर का इस्तेमाल किया गया, सुबह सुबह जो है यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 लोगों की टीम पहुँचती थी और इसको साफ किया जाता था, लेकिन ये संभव नहीं है कि मैन पावर से जो है 25-30 लोग मिलके और डेली इसकी सफाई करें तो सफाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा तालाब ये है और बस्तर को जल स्तर देने के लिए ये काफ़ी है। छत्तीसगढ़ का बड़ा तालाब, मैं इसलिए बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ कि राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि इसे संवारा जाए, नहीं तो ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और जो इतना बड़ा तालाब हमारे पास है इसका अस्तित्व जो है हम खो देंगे। सर, लंबे समय से आप देख रहे हैं दलपत सागर तालाब को, एक समय था लोग यहाँ नहाया करते थे, राजा रानी भी जो है उनकी भी कहानियाँ अलग हैं, लेकिन आज की स्थिति कि हम सिर्फ दिखावा करने के लिए कि हम दीपोत्सव बना रहे हैं और अब जो है हम सफाई की शुरुआत किए हैं, क्या समझ रहे हैं आप? देखिए, मैं थोड़ा सा पुराने इतिहास में जाऊँगा। सन 2000 में जैसे ही छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और उस समय कांग्रेस का राज आ गया, 3 साल तक उन्होंने राज किया, उसके बाद चुनाव के बाद बीजेपी का शासन आया। मैंने उस समय हमारे यहाँ के कर्मठ जो व्यापारी हैं संतोष बाफना जी, मैं उनकी तारीफ इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि वो उस समय भी अब निगम में थे और वो ना पूरी तरह से इस दलपत सागर का ये जो आइलैंड बना हुआ है इसके निर्माण में वो सहभागी रहे, और यहाँ पर एक फाउंटेन भी था, म्यूजिकल फाउंटेन। बिल्कुल, तो म्यूजिकल फाउंटेन इसलिए लगाया गया ताकि लोग शाम को आए देखें, मनोरंजन हो।
फिर जैसे ही इसकी तालाब की जो लंबाई चौड़ाई है तो उधर बिल्डिंगें बन गई, कॉलोनियां बन गई, तो वहां का जो गंदा पानी था वो इसमें आ रहा था। तो धीरे धीरे वो पानी जो है गंदा पानी इस पूरे तालाब को गंदा करता चला गया। तब हाँ, तो उसके बाद हम सभी जो ये सोचते हैं कि ये हमारे शहर का, हमारे बस्तर का गौरव है, एक हमारा मोन्यूमेंट्स है दलपत सागर, इसकी सफाई के लिए हम लोग जी जान से जुड़ गए। इसी बीच में फिर चुनाव हुआ और कांग्रेस शासन आया। तब पार्षद, महापौर इत्यादि सब ने मिलकर एक ट्रिमिंग मशीन ले आए कि चलिए इसी बहाने हम कुछ साफ करें। ट्रिमिंग मशीन नीचे कर साफ कर नहीं पाती, ऊपर ऊपर का साफ करके जमा करते गए, उसको फेंकते गए, उसमें हम लोग सब इन्वॉल्व रहे। और अब जो व्यवस्था होनी चाहिए सही ढंग से, जैसा कि हम रायपुर का देख लें, कोंडागांव का तालाब देख लें, जयपुर उड़ीसा का तालाब देख लें, वहाँ भी ऐसी ही पोजीशन थी, लेकिन वो लोग कैसे साफ किए, वो कौन सी मशीनें थी, वो मेथड तो हमको सीखना पड़ेगा ना। यदि ये जिला प्रशासन, राज्य शासन ठान ले कि हाँ ये दलपत सागर बस्तर का मोनूमेंट्स है, इसको साफ करना है जो आवश्यक है, तो मैं नहीं समझता कि वक्त लगेगा, 6-7 महीने में हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। लेकिन लोग करने का जुझारूपन होना चाहिए। रह गई बात दलपत दीपोत्सव की, तो ये हमारे शहर का घमंड है और हम 7 तारीख को दलपत दीपोत्सव मनाएंगे, जिसमें शहर के ना करते 75,000 के बीच पब्लिक पूरी आएगी। हाँ, है, तो और भीड़ इतनी आ जाती है कि मन प्रसन्न हो जाता है कि हाँ, हमारे शहर का एक एक बच्चा जो अपने शहर के लिए जागरूक है। मन पसंद तो उस वक्त भी होता ना जब ये खूबसूरत तालाब दिखता और उसके बाद से दीप जलते, तो इसकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। जी जी जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन कहते हैं ना कि हम कोशिश तो करते जाएं, कभी ना कभी तो इसका परिणाम, कामयाबी मिलेगी ही। देखिए, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, अगर सरकार भी कोशिश कर ले तो बिल्कुल हार नहीं होगी। इसको बेहतर तरीके से साफ किया जा सकता है और उसके बाद से इसकी खूबसूरती इतनी बढ़ेगी कि 2,51,000 दीप नहीं, 1,000 से अधिक दीप यहाँ पर जलाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़े तालाब है ये। और जब पूरे राउंड में वो दीप जलाए जाएंगे, 1,00,000 तकरीबन दीप जलाए जाते हैं, तो आप समझिए कि कितना खूबसूरत नज़ारा ऊपर से आपको नजर आएगा। हालांकि दीपोत्सव में तो खूबसूरती दिखती ही है, लेकिन तालाब की गंदगी भी साथ में दिखती है, जो खूबसूरती को थोड़ी दबा देती है। दादा, आप भी लंबे समय से देखे हैं दलपत सागर को, लेकिन खानापूर्ति ही हो रहा है, शासन प्रशासन, सरकार या दीपोत्सव को लेकर जो तैयारियां चल रही है उसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? मैं बाकी तो कुछ नहीं बोल सकता, इतना मैं कहूँगा कि मैं आज और कल और परसों, 2-4 दिन 2-4 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 65 साल से इस तालाब से जुड़ा हूँ। यहाँ मैं नहाता था, कपड़ा धोता था, पढ़ता था, उस समय से 1961 से मैं इसमें जाता था। उस समय का माहौल और अभी के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय एक चवन्नी अगर गिर जाती थी तो दिख जाता था कि वो चवन्नी पड़ी हुई है। आज तो हाथ धोने की इच्छा नहीं होती है रंग देख करके। ये इसके लिए जवाबदार कोई एक आदमी नहीं है, हम सब रहवासी हैं, यहाँ के लोग ही हैं, और सरकार तो खैर उसका तो खानापूर्ति होते ही रहता है, उनको हम तो किसी को दोष नहीं देंगे, लेकिन ये देख करके मन दुखी होता है कि क्या था और क्या हो गया है। और इसके लिए एक्सपर्ट लोग एक से एक एक्सपर्ट हैं, अपन एक्सपर्ट नहीं है, वो कैसे ये जलकुंभी को साफ करें, ये ऐसा नहीं है कि असंभव है, नहीं हो सकता। हमने देखा है कोंडागांव का तालाब, बूढ़ा तालाब रायपुर का, हम वहाँ भी गए हैं, तो वो जब हो सकता है ये क्यों नहीं हो सकता? राजधानी है ना, सभी नेता मंत्री मुख्यमंत्री वहीं रहते हैं। ऐसा उसके चार पूंछ तो नहीं है और ये बिना पूंछ का तो नहीं है, ये भी तो धरोहर है, बस्तर की धरोहर है और ये हमारा गर्व है शहर के लिए, ये प्राउड है। हम कहीं भी जाते हैं बोलते हैं हमारे दलपत सागर हमारे यहाँ है, इसको तालाब नहीं बोलते हैं, सागर इसीलिए बोलते हैं। तो सागर है तो सागर जैसा इसका रख रखाव होना चाहिए, और शासन प्रशासन जन सहयोग तो है ही है। हमारी टीम जो है ये स्वच्छता का, दलपत सागर अभियान का, उन्होंने लगातार बिना किसी के दबाव में किए, आकृष्ट भी किए,
सरकार को, शासन प्रशासन को, लेकिन उसके बाद टाइम टाइम फीस हो गया, कुछ दिन आते हैं फिर चल देते हैं। लेकिन हम लोगों का जहाँ तक हो सकता है निरंतर प्रयास चल रहा है। अभी कल परसों भी आकर के हमारे एक राजू जी हैं यहाँ, कलविंदर सिंह, वो खुद ही लगे हुए थे और निकाल रहे थे, फेंक रहे थे कचरा। तो ऐसा नहीं है हम लोग, लेकिन दो चार आदमी, दस आदमी के बस की बात नहीं है, चाहे वो जिंदगी हो खपा देंगे तो ये नहीं हो सकता। जब तक शासन अपने एक्सपर्टों के साथ इसमें को नहीं करेंगे, जब तक ये साफ सफाई अभियान नहीं चलेगा। एक्सपर्टों के साथ, यानी कि इस आधुनिकता के दौर, इस आधुनिकता के समय में आप समझिए कि मैन पावर से इसे साफ नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों को लगा दिया जाए और इसे साफ कर दिया जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि तालाबों को बेहतर सफाई किया गया है और एकदम उसे क्लीन कर दिया गया है, लेकिन ये दलपत सागर आज से नहीं, काफ़ी समय से जो है उपेक्षित रहा है और अभी भी जो है इसकी स्थिति वैसी बनी हुई है। इस आधुनिकता के दौर में क्या लगता है, कोई और मेथड नहीं है जिससे साफ किया जा सकता है? एक छोटी सी मशीन ला दिए हैं जिसमें कटिंग करके जो है वो वापस रखा जा रहा है और फिर से दोबारा वो जो पौधा उग जा रहा है। कोई भी ऐसा काम हो ही नहीं सकता। सब चीज़ काम करने लगे ना तो सब चीज़ संभव है। यहाँ पर जिस समय तालाबों की बात आता है तो NGT का सवाल आ जाता है। NGT हर जगह पर ब्रेकर 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 लगा के अपनी जगह पर कायम रहता है और राज्य शासन और जिला प्रशासन कहीं ना कहीं उन ब्रेकर्स में अपनी जो दौड़ है वहाँ ब्रेक लग जाती है। यह तालाब आराम से साफ हो सकता है। एक बार इसका पानी निकाल के गहरीकरण करके कम से कम 4 से 5 फीट इसका जो गाद निकलेगा उसके बाद जो सफाई होगी ना, ये मैं समझ सकता हूँ, मैं नहीं शहर के लोग समझ सकते कि 25 साल तक का फिर वो तालाब साफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर का पानी पूरा साफ होना चाहिए और जो गाद है किसी जगह 3 फीट किसी जगह 6 फीट गाद निकालना जरूरी है। और ये जो गाद आई कहाँ से, शहर का पूरा गंदा पानी बिल्कुल आया है, होटलों का आया है, शहर के पूरे गंदे सीवरेज का आया है, एक सामने की तरफ से आया है, इस तरफ से पीछे तरफ से भी ना 3 से 4 नाले पूरे शहर का गंदा पानी इस दलपत सागर में प्रवेश किया। इस वजह से जलकुंभी का पनपना जारी है। या कितनी बार भी अपन जलकुंभी निकाल लें, लेकिन ये जलकुंभी जब तक का नीचे गाद गंदी पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उपज के रूप इसमें ताकत मिलती है। इस वजह से ये कितना भी मशीन जो आई हुई है कटिंग कर रही है, जलकुंभी निकाल रही है, तो यह संभव है ही नहीं कि ये साफ हो सके। और इतनी बड़ी क्षेत्र में वो छोटी सी मशीन काम नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि पूरे पहाड़ को लेके चलना चीटी बराबर वाला काम हो जाएगा, तो ये असंभव है। ये तालाब गहरीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण, अलग अलग जो है पैसे खर्चा जो है सरकार करती है, लेकिन इसमें अगर वही पैसे को लगाया जाए, सरकार जो है कुछ इसके लिए अलग से फंड रिलीज करे, क्या चाहे यहाँ पर NMDC जो स्थापित है वो भी अगर करना चाहे, तो ये कितना खूबसूरत जगह बन सकता है। और आज जो लोग आते हैं इसे देखने के लिए, जलकुंभी की वजह से भी खूबसूरत नहीं नज़र आता है, लेकिन जब इसका पानी नीचे तक आपको नज़र आएगा तो चाह बढ़ती है कि वहाँ पर खूबसूरत जगह है, चलिए वहां घूम लेते हैं। अगर वो वापस सौंदर्य आ जाता है और हमको जमीन दिखने लग जाती है, छत्तीसगढ़ नहीं भारत का सबसे शानदार दलपत सागर यही होगा। बिल्कुल भारत का जाते हैं, यस, वो चीज हम यहाँ पर देखना चाहते हैं, लेकिन कब, जब गहरीकरण होगा तब। और अभी वर्तमान में 7 दिसंबर को यहाँ पर लगभग 2,51,000 दीप जलाने का जो एक लक्ष्य रखा गया है और दीपोत्सव का कार्यक्रम 4th वर्ष है और ये बिल्कुल नज़दीक आ गया है। इस वजह से अभी जिला प्रशासन या कुछ कुछ सफाई कर रही है और वाइट वॉश करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन ये अमली जामा पहनाया जा रहा है कार्यक्रम के लेके। बाकी वास्तविक रूप से दलपत सागर को जो दिखाना चाहिए पर्यटन के हिसाब से, वो शून्य है। शून्य है, देखिए, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वही दिखाना चाह रहा हूँ कि जब जिला प्रशासन या सरकार ठान ले कि इसकी खूबसूरती को बरकरार रखना है और दीपोत्सव जो मनाया जाता है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में भी जो है वो दर्ज है, अगर इसको वापस से वैसा ही करना है, वैसा ही सुंदर बनाना है, तो आपको मेहनत, आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। दादा, आप लोग लंबे समय से जुड़े रहे सफाई करने के लिए, कुछ परिणाम भी सामने आए, लेकिन फिर से वही स्थिति वापस से हो गई है। सरकार ना कोशिश कर रही है, ना जिला प्रशासन चाह रहा है कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाए। अभी दीपोत्सव है तो रंग रोगन जो है इसकी शुरुआत हो गई है इसकी। सर, सबसे पहले तो जो शहर का पूरा कचरा और गंदा पानी यहाँ आ रहा है, सबसे पहले तो वो बंद करें। अगर सफाई नहीं हो रही है कोई बात नहीं, कम से कम वो गंदगी को बंद करें, तो हो सकता है बरसात में पानी जाके नया पानी आए, तो कम से कम पानी तो साफ रहे यहाँ।
और जब तक वो नाली बंद नहीं होगी और शहर की गंदगी बंद नहीं होगी यहाँ का कुछ नहीं हो सकता सर। ये मेन चीज़ है कि बारिश के मौसम में जो नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर शहर की गंदगी निकलती है वो यहाँ पर आके स्टोर हो रही है। नहीं नहीं, 12 महीना पानी आ रहा है यहाँ, शहर का पूरा गंदा पानी 12 महीना यहाँ आता है। नगर निगम तो कहती है कि हम यहाँ पर नहीं छोड़ रहे हैं पानी, पानी जो है वो डाइवर्ट कर दिए हैं। वहाँ पर सर नाला लगा हुआ है, डाइवर्ट में कई बार जाम हो जाता है, कोई देखना नहीं किसी ने, और पानी डायरेक्ट सीधा दलपत में आता है। बताइए, ये नगर निगम की भी उदासीनता है कि शहर का गंदा पानी इस दलपत सागर में पहुंचता है, यहाँ पर गिरता है, और यही वजह है कि पूरी तरीके से जो पानी है वो काला हो चुका है, जलकुंभी है वो उत्पन्न हो रहा है, और इसका जो सौंदर्यीकरण है वो पूरी तरीके से खराब हो गया है। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर कोलिंग से। कोलिंग जी? कोलिंग से आए हो घूमने जी, दलपत सागर को देखने आए हो जी? कैसा लगा? अच्छा लगा, वाकई अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं था। मैं इससे पहले भी आया था, शायद यहाँ वही दीप उत्सव हो रहा था उससे पहले आया था यहाँ, ऐसा नहीं था पहले, थोड़ा सुंदर था। अभी ऐसा नहीं है, बहुत पानी काला काला दिख रहा है, पहले मछली भी देखने से दिखता था, अभी नहीं दिख रहा है। वोटिंग वोटिंग किए थे पहले जब वोट चलते थे, जब ये सब नहीं थे तो वोट चलते थे? नहीं किए थे सर जी। कोलिंग, कोलिंग अब ठीक है ना, वहाँ पर नक्सलवाद तो नहीं है, सब खत्म? नहीं है सर सब। देखिए, कोलिंग वो इलाका है जो घोर नक्सलवाद हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और आप देखिए कि कोलिंग से बच्चे जो है अब यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, इसकी खूबसूरती देखने आ रहे हैं, लेकिन इन्हें भी पता है कि अब ये खूबसूरत नहीं नजर आ रहा है। क्यों जी सर? होना चाहिए सफाई, होना चाहिए सर। दीपोत्सव में आओगे? जी जरूर सर जी। देखिए, उससे पहले दीपोत्सव आए थे सर, देखे थे, कैसा लगा था? अच्छा लगा था सर, लेकिन जब ये खूबसूरत साफ हो जाएगा तब और अच्छा लगेगा जी। इसकी खूबसूरती जो है देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये खूबसूरत ही नहीं रहेगा तो कैसे लोग यहाँ पर आएंगे, कैसे पर्यटक जो है यहाँ पर पहुँचेंगे, ये एक बड़ा जो है सवाल है। अगर जिला प्रशासन और सरकार ठान ले कि इसकी सफाई करनी है तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये अच्छे से सफाई हो सकती है और पूरे तालाब की खूबसूरती बढ़ सकती है। और अगर आप यकीन मानिए कि इसकी खूबसूरती बढ़ती है तो आप को पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा और अधिक संख्या में पर्यटक जो है यहाँ पर पहुँचेंगे दलपत सागर को देखने के लिए, वोटिंग करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटी के लिए। आप समझिए कि गांव के अंदर एक छोटे से तालाब, एक छोटे से नाले में जो है बंबू राफ्टिंग की जा रही है, जो राष्ट्र के 20वें गांव में शामिल हो रहा है, लेकिन आपके पास जब इतने बड़े ऐतिहासिक तालाब है उसके सौंदर्यीकरण, उसको सुंदर बनाकर अगर यहाँ पर एक्टिविटी आप करते हैं तो आप समझिए कि ये कितना सुमार होगा, कितना इसका नाम होगा, और जब इसका नाम होगा तो छत्तीसगढ़ सरकार का भी नाम होगा, बस्तर के प्रशासन का भी नाम होगा, तो क्यों ना इसके वो तरफ पहल किया जाए और सरकार इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाए और इसकी सफाई बेहतर हो, और उसके बाद से जब दीपोत्सव मनाया जाएगा तो वाकई आप समझिए कि मन प्रसन्न हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जगदलपुर।